हेलो एवरीवन, जय श्री राम। 75 हार्ट का है आज मेरा दूसरा दिन। सुबह 4:30 बजे मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, जबकि मैंने अलार्म लगाया था सुबह 5 बजे का। सबसे पहले मैंने भगवान को धन्यवाद बोला है लाइफ में हर अच्छी चीज़ देने के लिए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। यहाँ आके मुझे याद आता है कि मैंने रात में अपने लिए कुछ नहीं भिगोया था, जैसे कि जीरा, मेथी, गुनगुतीरा, चिया सीड्स। तो मैंने सौंफ लिया है और सौंफ को अच्छी तरह से चबाते हुए मैंने गर्म पानी ख़त्म कर लिया है। इसके बाद मैंने किया है थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट और मैं 2 मिनट बैठी रही हूँ वज्रासन में। इसके बाद मैं चली जाती हूँ फ्रेश होने के लिए। तैयार होकर मैं आ जाती हूँ, शूज़ पहन के मैं निकल पड़ती हूँ अपने सुबह के वर्कआउट के लिए। सुबह सुबह इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है कि उसको महसूस करने के लिए ना आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा और घर के बाहर निकलना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए मैंने इस्तेमाल की है सीढ़ियाँ। ये जो स्ट्रीट डॉग्स है, मैं इन्हें अक्सर खाना दे देती हूँ जो भी मेरे पास होता है, रोटियाँ, अंडे या जो भी मैं खाती हूँ, तो कई बार इनसे शेयर कर देती हूँ। ये सब करते हुए मैं आ जाती हूँ योगा पार्क। सर्पगंधा के ये जो फूल है ना, ये देखने में इतने सुंदर हैं और इनकी खुशबू भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैं पहुँच गई हूँ योगा पार्क। यहाँ मैंने सबसे पहले शुरू किया है बॉडी वार्म अप। जब भी आप कोई भी वर्कआउट करना शुरू करते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट हो ये हो या फिर इवनिंग वर्कआउट हो, तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, बॉडी को वार्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप सीधे ही वर्कआउट करना शुरू कर देंगे तो ये तय है कि आपकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो जब भी आप कोई भी वर्कआउट करना शुरू करें तो उसके पहले अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें, अच्छे से वार्म करें, उसके बाद ही कोई भी वर्कआउट करना शुरू करें। मैंने आज कंप्लीट की है 200 टाइम्स की स्किपिंग और उसके बाद मैं काफ़ी थक गई हूँ तो मैं बैठ गई हूँ और मैंने पानी पिया है। 4 लीटर पानी का ये है मेरा दूसरा बॉटल। गेट पे मुझे मिलती है ये बुलबुल, सुनिए कितना प्यारा गा रही है। ऊपर आने के लिए मैंने इस्तेमाल की है सीढ़ियाँ और यहाँ आके मैंने कंप्लीट किया है 1 मिनट का प्लैंक। 1 मिनट प्लैंक करने के बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ा जो बालकनी में पौधे लगे हुए हैं उनको खाद दे दी जाए। खाद को मैंने घर पे ही बनाया था। इस ग्रो बैग में मैंने गोबर, पत्तियां, जो किचन का वेस्ट है वो मैंने भर के रख दिया था और 2 महीने में देखिए ये पूरी खाद बनकर तैयार हो गई है। पौधों में खाद डालने के बाद मैंने चिड़ियों के लिए पानी और दाना बालकनी में रख दिया है। चेहरे पर मैंने लगाया है मुल्तानी मिट्टी और सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने हमेशा की तरह पूजा की है, भगवान को याद किया है और मैंने अपने लिए आज बनाया है लंच में भिंडी की सब्जी, चावल और दाल। दाल मैंने डाल दी है अमियां, जो कि मुझे बहुत पसंद है। चावल का जो माड़ है मैं निकाल देती हूँ और दिन में चावल खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में है उत्पम, कीवी और उबले हुए अंडे। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है और मैं चली जाती हूँ तैयार होने के लिए। क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज है इसलिए मैंने जगकर डाकू का जो ये रूप है वो धारण कर लिया है और मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ। यहाँ आके मैंने 4 लीटर पानी का टास्क कंप्लीट कर लिया है। लंच मैंने खाया है भिंडी की सब्जी, दाल, चावल, सलाद। ये है मेरी आखिरी बोतल 4 लीटर पानी पीने की। और जिम के 2 घंटे पहले मैंने पिया है प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक तो वैसे दिन में आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन मैं इसे जिम करने के 2 घंटे पहले पीती हूँ। इससे शाम तक मेरा पेट जो है वो भरा रहता है। आज है मेरा चेस्ट वर्कआउट डे। ये 5 किलो के डंबल मुझसे उठाए नहीं जा रहे हैं, बट जो ट्रेनर हैं वो मेरे सर पर सवार हैं और कह रहे हैं मैडम आप आज नहीं बच सकती हैं, आपको पूरा वर्कआउट करना ही होगा क्योंकि आप हमेशा भाग जाती हैं। तो मैंने अपना जो चेस्ट वर्कआउट है इसे पूरी ईमानदारी से कंप्लीट किया है। देखने में तो सिंपल लग रहा है बट ये करना बहुत ही मुश्किल है। फिर मैं आ जाती हूँ घर और शाम को मैं नहाती हूँ फिर से। मेरी हमेशा से हैबिट रही है 2 टाइम नहाने की। फिर मैंने ऑनलाइन पावर बीआई का कोर्स कंप्लीट किया है और मैंने आज पढ़ी है 48 पावर लॉ बुक। इसमें लिखा है कि अपनी जो फ्रेंडशिप है उसको अपने काम के साथ मिक्स ना करें, और जो आपका दुश्मन है आप उसे एक बार अपना एम्प्लॉय रख सकते हैं, लेकिन कभी किसी दोस्त को अपने एम्प्लॉयमेंट में, अपने काम में शामिल ना करें। क्योंकि ऐसा करके ना आप उससे अच्छे से काम नहीं ले पाएंगे। तो ये है आज का थॉट ऑफ डे। ये है मेरी आज की सेल्फी और इसके साथ कंप्लीट होता है 75 हार्ट का मेरा दूसरा दिन। जय श्री राम।